बारहवीं की परीक्षा परिणाम आने के बाद लालगंज के बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों में गजब का उत्साह है। वजह है कि लालगंज की छात्राओं ने इस परीक्षा में अपना परचम लहराया है। कॉमर्स में जिला में द्वितीय स्थान प्राप्त कर प्रखंड के नाम रोशन की है मधुरापुर कुसदिया गांव निवासी संतोष सिंह की बेटी स्वाति कुमारी। स्वाति कुमारी ने कॉमर्स में 455 नंबर लाकर वैशाली जिला में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसके बाद उनके घर पर बधाई देने वालों की तांता लगी है। कैसे तैयारी की, क्या की, उम्मीद था कि जिले में टॉप करेंगे आप, 1-2-10 में स्थान रहेगा? कैसे उम्मीद था, क्या किस तरह से तैयारी की थी, पूरी बात बताइए। रोज 7-8 घंटे पढ़ाई करती थी। अच्छा। और होम ट्यूटर मदद करते थे और मम्मी पापा भी हेल्प करते थे और इन्हीं लग के आशीर्वाद से। कॉमर्स लेने के पीछे क्या कारण था, चूँकि आमतौर पर लोग साइंस ज़्यादा ले रहे हैं, आर्ट्स, क्या एम क्या है कॉमर्स लेने के पीछे? आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ, इसलिए लिया था और बचपन से ही पसंद है कॉमर्स। तो कहीं बाहर पढ़ने नहीं गई थी? नहीं। तो इस छोटे से गांव से आप जिले में टॉप करेंगे, 1-10 में स्थान रहेगा, वो ये उम्मीद था क्या? हाँ, दूसरे स्थान पे हैं पूरे जिले में। था, मेहनत कर रही थी तो उम्मीद था कि। तो आगे कहाँ फिर तैयारी करना है, क्या है बीकॉम, कहाँ से करना है, कैसे, या यहीं से फिर जा के तैयारी करना है? नहीं, यहीं से थी। बीकॉम भी यहीं से करना है? हाँ। तो फिर इसी तरह का रिजल्ट आ जाएगा घर बैठे यहीं से पूरी तैयारी करके? आ सकता है, आ सकता है, पूरा भरोसा है? हाँ। कब पता चला कि बेटी जिला में टॉप की है, सेकंड स्थान लाई है? 15 मार्च को चला, लेकिन बोर्ड ऑफिस से फ़ोन आया जो आपकी बच्ची जिला में टॉप की है, आपको बोर्ड ऑफिस आना होगा 17 तारीख को 10 बजे से पहले। हम लोग तो छोटा सा आदमी इतना उम्मीद नहीं रखे थे, यहाँ हम लोग हमारी बच्ची इतना आगे बढ़ जाएगी। तो फिर आप वहाँ गए थे क्या? हाँ गए थे। कहाँ से पढ़ती है, कहाँ, किस कॉलेज से पढ़ी है? एबीएस से। तो ये चार्टर अकाउंटेंट बनना चाह रही हैं, आप क्या चाहते हैं, सहयोग करेंगे? तो बिना सहयोग के कैसे होगा? नहीं, आमतौर पर तो बच्चियों को बाहर भेजने में लोग डरता है कि नहीं बाहर कैसे भेजें इसके। घर पे दो होम ट्यूशन कराते थे तो सुबह में एक ठो काम, लेकिन फिर भी इतना बड़ा उम्मीद नहीं था। नहीं था? नहीं। सुने तो कैसा लगा? सुने तो एकदम अचक हो गए कि कैसे हो गया। तो इनके पापा यहाँ नहीं है? नहीं, पापा ड्यूटी में हैं। किस चीज़ में ड्यूटी करते हैं? वो पार्ले जी। अच्छा। सेल्समैन का काम करते हैं। उनको पता हुआ है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका?